किया अमिताभ बच्चन पानी पूरी की दुकान किया, अमिताभ बच्चन छोले भटूरे की दुकान किया, अमिताभ जी को छोला भटूरा भी बिछवा दिए, पान भी बिछवा दिए, उन्होंने नहीं बेचा, सिर्फ उनका नाम था। मेरा अरमान था कि मैं जो भी काम करूं मेरा नाम बस यही रहे अमिताभ बच्चन के जी के नाम से ही मैं करूं कोई भी काम। चश्मा उस्मा भी अभी एकदम ऐसा ही लगाए हुए चुने हुए, कैसे लग रहे हैं देख के? अमिताभ बच्चन कैसे लग रहे हैं आपको? अमिताभ बच्चन कहीं से डाउट हो रहा है झटका में देखेंगे तो लगेगा कि अमिताभ बच्चन उतर के आ गए हैं ना। आइए दिखाती हूँ इस तरफ देखिएगा कि अंदर की तरफ भी जो है वो अमिताभ बच्चन के सारे फोटोज लगे हुए हैं। और सुबह सुबह जैसे आप भगवान कोई भी काम शुरू करते हैं तो आप अगरबत्ती दिखाते हैं भगवान को, वैसे ही अमिताभ बच्चन को भी अगरबत्ती दिखाते हैं। मेरे गाड़ी में कहीं पर देवी देवता नहीं होगा? देवी देवता नहीं है, पूरा पड़ा है, बस ओनली फॉर अमिताभ मंदिर है। आई ना इधर इधर आते हैं, क्या कमाई हो जाती है इस दरभंगा वाले अमिताभ जी की, वो तो करोड़ों में खेल रहे हैं। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। मेरे पीछे आपको एक ई रिक्शा दिखाई दे रहा होगा, और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं अभी दरभंगा में मौजूद हूं, और इस ई रिक्शा को पहले आप देखिए कि अमिताभ बच्चन की बहुत सारी फोटोज इस पर लगी हुई हैं, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक और साइड से लेकर आगे तक अगर आप देखिएगा तो आपको अमिताभ बच्चन के फोटोज देखने को मिलेंगे। आइए दिखाती हूँ इस तरफ देखिएगा कि अंदर की तरफ भी जो है वो अमिताभ बच्चन के सारे फोटोज लगे हुए हैं। इस तरफ हीरोइनों के साथ फोटो लगे हुए हैं, जी हाँ जया बच्चन के साथ भी बड़े सारे फोटोज लगे हुए हैं, तो थोड़ा तो अलग दिख ही रहा होगा, थोड़ा सा और आगे आइए। आइए दिखाते हैं कि दरभंगा में अमिताभ बच्चन जो है इस ई रिक्शा में भी बैठे हुए हैं। आइए देखिए जरा यहाँ पर देख के थोड़ा सा अजूबा लगेगा कि अमिताभ बच्चन इस ई रिक्शा में बैठे हुए हैं, मतलब क्या कॉन्सेप्ट है भैया कि आपने पूरा अपना जो ई रिक्शा है उसको सजा दिया अमिताभ बच्चन की फोटो से और अपना लुक भी बना लिया एकदम। बस यूं कहिए कि ये शौक कहिए नशा कहिए इसको, अमिताभ बच्चन का नशा है आपको है ना? तो इतना तो बनता ना, तो मतलब ये कहाँ से बाल बाल एकदम जैसे अमिताभ बच्चन का होता है वैसे एकदम रखे हुए आप? पहले पान की दुकान करते थे लोग ऐसा कह रहे हैं, क्या क्या किया है आपने अमिताभ बच्चन के? अमिताभ बच्चन पान की स्टॉल था दरभंगा स्टेशन पर छोटी लाइन बुकिंग काउंटर के पास, तो पैर टूट जाने की वजह से जो पान की दुकान मेरा बंद हो गया। मतलब पान का दुकान जो था वो भी अमिताभ जी के नाम से ही था? जी जी, अमिताभ पान स्टॉल। हाँ। उसके अभी भी पेंटिंग मेरे घर में पड़ा हुआ है, मेरे फेसबुक पर भी पड़ा हुआ है वो तस्वीर, और गाड़ी में तो भी सिर्फ बीच का फोटो लेकर के लगाए हुए जो पता नहीं चलता होता ना कि पान की दुकान है वहाँ। उसके बाद भी मैंने सुना है कि आपने कुछ ना कुछ किया, अमिताभ बच्चन पानी पूरी की दुकान किया, अमिताभ बच्चन छोले भटूरे की दुकान किया, अमिताभ जी को छोला भटूरा भी बिछवा दिए, पान भी बिछवा दिए, उन्होंने नहीं बेचा सिर्फ उनका नाम था। मेरा अरमान था कि मैं जो भी काम करूं मेरा नाम बस यही रहे अमिताभ बच्चन के जी के नाम से ही मैं करूं कोई भी काम। चश्मा उस्मा भी अब एकदम वैसा ही लगाए हुए चुने हुए हैं कि जिस फ्रेम का अमिताभ जी पहनते हैं अमिताभ बच्चन पहनते हैं वैसे ही आदमी है, हमारी जो हैसियत था वो मैं कर रहा हूँ। अच्छा, जब सैलून में जाते होंगे बाल बाल जो सेट कराते होंगे तो आपको तो परमानेंट सैलून वाले होंगे कि भाई अमिताभ बच्चन की तरह उनको बना दिया? आज से नहीं, हम बचपन से ही बाल बनाते हैं लहड़ीसराय में जाकर के, यहाँ से 6-7 किलोमीटर पड़ता है लहड़ीसराय, तो बाहर निकल के देखते हैं। अब देखिए अमिताभ जी आपको झटके में अगर आप देख लेंगे ना तो देख लीजिए लोग भी रुक जाते हैं देखकर कि अमिताभ बच्चन भाई कहाँ से आ गए दरभंगा के बीचों बीच में। तो मतलब जब आप बाल बाल बनवाते हैं लोग आपके ई रिक्शा में बैठते हैं तो क्या बोलते हैं, उनको गाना सुनाते हैं आप एकदम? गाना बजता है, लोग तारीफ करता है, कहता है कि अंकल जब आप हम उतरेंगे तो आपका सेल्फी लेंगे, सेल्फी लेके जाते हैं ना। अभी तो ये भी कहता है कि मैं आपके गाड़ी में तभी बैठूंगा जब आप सेल्फी दोगे। बड़ी बाप रे, ऐसा है मतलब इसलिए बड़ी बात आपको दरभंगा का अमिताभ बच्चन बोला जाए है ना? जी हाँ, है ना। हर इंसान यहाँ पे कैसे लग रहे हैं देख के? अमिताभ बच्चन कैसे लग रहे हैं आपको? अमिताभ बच्चन कहीं से डाउट हो रहा है झटका में देखेंगे तो लगेगा कि अमिताभ बच्चन उतर के आ गए है ना। आप लोग क्या सोच के आए भैया देखने? हमको हुआ जो अमिताभ बच्चन आ गए हैं दरभंगा में, दरभंगा में आ गए तो ये दरभंगा वाले ही अमिताभ बच्चन हैं। तो जब आप बैठते हैं तो जो पैसेंजर होते हैं पहले तो आपको पैसा भी देते हैं और साथ में और सेल्फी लेके जाते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो चाहे लेडीज हो चाहे जज कोई भी हो। अच्छा, अमिताभ बच्चन के बारे में हम आपको बोल रहे हैं या फिर आप दिख रहे हैं या फिर आपने इतना पागलपन दिखाया है अमिताभ बच्चन के लिए कि ऊपर से लेकर जो पीछे का नीचे देखेंगे ना ई रिक्शा का जो सेटअप है वहाँ तक अमिताभ बच्चन के फोटोज आपको नजर आएंगे। हाँ। तो सुनाइएगा कुछ, जैसे कुछ तो सुना दीजिए ताकि लोग जो है वो मतलब ये देखे कि भाई आपने बसा तो लिया है अपने ई रिक्शा में अपने वेशभूषा में, कुछ सुना भी दीजिए कुछ ऐसा डायलॉग या फिर कुछ ऐसा जैसे उनका। हाँ, तेरे जैसा यार कहाँ,
कहाँ ऐसा यारा ना याद करेगी दुनिया, तेरा मेरा अफसाना। अच्छा, कभी मुंबई जाने की कोशिश नहीं की कि जाके अमिताभ बच्चन से मिलकर आते हैं? अरे मैडम जी, एक बार तो किया था, पैर तोड़वा के मेरी पान की दुकान बंद हो गई। मतलब कहते हैं कि जब तक ऊपर से परमिशन ना हो, हाँ, कोशिश नहीं करनी चाहिए इंसान, हाँ, को जब उनका बुलावा होगा कोई मेरा नुकसान नहीं होगा, हाँ, मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, हाँ। जिस तरह से उनका आदेश नहीं था हमसे मिलना, मिलने का आदेश नहीं था, हमने कोशिश किया, घर में लड़ाई किया, 5,000 रुपये लाए, सारा का सारा पैसा पैर में लग गया मेरा, हाँ। हमने सुना है कि भगवान को जैसे आप दीपक दिखाते हैं या फिर आप अगरबत्ती दिखाते हैं, आप पूजा अर्चना करते हैं, वैसे ही आप भी जब सुबह सुबह पूजा अर्चना करते हैं? इसका वीडियो भी मेरे लिंक पर है, मेरे YouTube चैनल पे है। अपने YouTube चैनल का नाम बता दीजिए ताकि लोगों को पता चले। दरभंगा वाला अमिताभ बच्चन लिखिएगा तो आ जाएगा। दरभंगा वाला अमिताभ बच्चन लिखेंगे तो इनके वीडियो हो, Instagram हो, Facebook, इधर भी लिखो दरभंगा का अमिताभ बच्चन। बाप रे, मतलब YouTube पे भी वायरल है, Instagram पे भी वायरल है, Facebook पे भी वायरल है। मतलब दरभंगा वाले अगर आप अमिताभ बच्चन को ढूंढते हैं तो आपको इनका चेहरा दिखाई देगा, वेशभूषा दिखाई देगा, और साथ में जब लोग इनके रिक्शा में बैठते हैं सेल्फी लेकर जाते हैं, और सुबह सुबह जैसे आप भगवान कोई भी काम शुरू करते हैं तो आप अगरबत्ती दिखाते हैं भगवान को, वैसे ही अमिताभ बच्चन को भी अगरबत्ती दिखाते हैं। मेरे गाड़ी में कहीं पर देवी देवता नहीं होगा। हाँ, देवी देवता नहीं है, पूरा पड़ा है, बस ओनली फॉर अमिताभ मंदिर है, यही मेरा सब कुछ है। और इस गाड़ी का नाम भी आपने रख दिया अमिताभ रथ। अमिताभ रथ रख दिया, अमिताभ मंदिर गाड़ी के अंदर में है। अच्छा, मैंने सुना है कि हर महीने आप आगे स्टिकर चेंज कर रहे, थोड़ा पीछे चल के देखते हैं। इससे पहले दूसरा तस्वीर लगा हुआ था, हाँ, वो क्या बोलते हैं, ये त्रिशूल मूवी का पिक्चर लगा हुआ था। ये कौन से मूवी का है? दीवार का, यही तो मेरा दीवानेपन का। आप सबसे बड़े फैन है अमिताभ बच्चन के? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह सकता, मेरे से भी बड़े बड़े पागल है इस दुनिया में, मैं तो फैन तो है ना, मैं तो छोटा मोटा पागल हूँ इनके प्यार में। अगर आपको मौका मिल जाता है कभी कि अमिताभ बच्चन को साक्षात देखने का, आपके सामने खड़े होते हैं, क्या कीजिएगा? वो तो मेरा हार्ट, हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम उस खुशी को बर्दाश्त कर पाएंगे कि नहीं, मतलब हार्ट अटैक हो जाएगा ऐसा बोल रहे हैं। चूंकि जिनका इंतजार है, यूँ समझ लीजिए कि 30-32 साल तक करीब हो गया होगा, समथिंग 12-14 साल से हम इनका फैन हैं, बचपन से ही इनका दीवाने हैं हम। उस समय VCR चला करता था, VCP चला करता था, रंगीन TV वीडियो, मतलब कोई भी फिल्म आ जाए आप जाके देखते थे, है ना? देखते थे, जमीन पर बैठ करके देखते थे, नींद भी हमको नहीं आता था, चाहे कितना भी शीत लहर क्यों ना हो, फिर भी हम बैठ करके मूवी पूरा देखते थे। मतलब आपने लड़कियों के लिए लोगों को पागल होते हुए देखा होगा, यहाँ पे अमिताभ बच्चन के लिए जो है वो दरभंगा वाले अमिताभ जी पागल थे एकदम, है ना? जी हाँ। आई ना, इधर आते हैं। क्या कमाई हो जाती है इस दरभंगा वाले अमिताभ जी की? वो तो करोड़ों में खेल रहे हैं। तो सबका वही हाल है, 500-700-700 बड़ी मुश्किल से हो पाता है। सुबह 6 बजे निकलिए, रात के 12 बजे तक हम चलाते रहते हैं। परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार में तो मेरी मम्मी है, 3 भाई है, 2 बहन है, आपके बच्चे भी हैं? मेरी अपनी पत्नी है, 3 बच्चे हैं। अच्छा, तो पत्नी बच्चों का क्या रिएक्शन होता है जब आप ये पागलपन दिखाते हैं अमिताभ बच्चन के लिए? तो बच्चों को तो खुशी होता है, लेकिन वाइफ को बुरा लगता है। वो लोग भी मतलब कहीं ना कहीं एक्टिंग करते हैं अमिताभ बच्चन की तरह में कि भाई मैं, मेरे पिताजी कर रहे हैं तो मैं भी कर लूं। इससे मेरी वाइफ को एलर्जी है। अच्छा, वो बोलती है सबसे क्या हो जाएगा, क्या हासिल कर लोगे इससे। अच्छा, मैंने सुना है आप 2,000 रुपए के लगभग खर्च कर देते हैं हर महीने स्टिकर चेंज कराने के लिए। महंगा पड़ता है, स्टार मीडिया फ्लेक्स लगा हुआ है। तो मतलब कहाँ से ये सारे फोटोज आप मतलब चुन के लाते हैं, आप खुद देते हैं निकालने के लिए या तो फिर मोबाइल से निकाल करके बनवाते हैं? हाँ, हम खुद सेलेक्ट करते हैं, खुद बनवाते हैं। अच्छा, कोई ऐसा गाना जो आपको बहुत अच्छा लगता हो अमिताभ बच्चन का? बहुत अच्छा। तो बैठ के सुनना, अंदर बैठ के सुनना चाहूंगी। बैठ जाओ, अंदर बैठ के सुनते हैं आपका ये जो गाना है। जी सुनाइए, कोई भी जो आपका सबसे फेवरेट गाना हो अमिताभ बच्चन। फेवरेट गाना तो वही है, सबसे दोस्ताना मूवी का ही तो गाना है। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। वाह, ताली बजनी चाहिए ना जितने लोग खड़े हैं यहाँ पर एक बार, कि दरभंगा वाले अमिताभ बच्चन कैसे लग रहे हैं आप लोगों को? मतलब झटका में देखेंगे तो लगेगा ना कि कहीं अमिताभ बच्चन ही तो नहीं बैठ गए यहाँ पर आके।
सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि मुझे को ये गाड़ी का ईएमआई भरना है। अच्छा। और ये गाना गाने से या फिर नाच गाना करने से तो हमारा ईएमआई सधेगा नहीं। यहाँ सुबह 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक पसीना बहा करके ये गाड़ी की ईएमआई भरना पड़ता है, घर चलाना पड़ता है। 6 बजे से रात को 12 बजे तक आप ई रिक्शा चलाते हैं, तब जा करके ये होता है। आप बताइए कि हमको टाइम मिलता कहाँ है जब हम गाना के बारे में सोचे हम या डायलॉग के बारे में सोचे हम। थके मरे जाते हैं, घर पर जाके बेहोश हो जाते हैं। इधर 2 दिन से मेरा चार्जर खराब हो जाता है, इस गाड़ी अभी निकाले हैं, तो सारा दिन तो हमारी परेशानी में जाता है। फिर टाइम मिले जब भी हम उनका डायलॉग याद करें, कोई सॉन्ग्स याद रखे, फिर भी महीने में जो है वो सारा चेंज होता है। जमाने में पूछते तो हम तो फिल्म देख करके निकलते थे सिनेमा हॉल से, और उस समय 50 पैसे का और जो सो क्या बोलते हैं 25 पैसे का एक पेज आता था गाने का, दीवार मूवी का, वो नेशनल सिनेमा हॉल के पास मिलता था, वो लेकर के सारे रास्ते वो गाने को याद करते हुए गाते हुए गुनगुनाते हुए घर आते थे। इतना मतलब पसंद थे बचपन से ही। मतलब आपने बड़े लोगों के फ़ैन देखे होंगे, अलग अलग क्रिकेटर्स के फ़ैन होते हैं, बड़े बड़े स्टार्स के फ़ैन होते हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन का ये फ़ैन आप मुझे लगता है सबसे यूनिक, सबसे विचित्र और सबसे अलग हो गया। ऐसा नहीं कहिए, और भी बहुत से लोग हैं जो कि दिखते नहीं है, मैं दिख गया, बस यही गलती कही इसको या फिर ये सौभाग्य कहेंगे, ये सौभाग्य कहेंगे हमारा कि दरभंगा वाले जो हैं अमिताभ जी, इनका मतलब जो एक समर्पण है अमिताभ बच्चन के लिए, आप देख लीजिए कमी नहीं है, सब अपने अपने तरीके से पेश करते हैं। लेकिन जो अगर आपके बारे में जान गया, जो आपकी मेहनत को जान गया, जो आपके संघर्ष को जान गया, वो याद रखेगा कि अमिताभ बच्चन का एक ये भी फैन था जो बिहार के दरभंगा के रहने वाले थे अमिताभ जी। तो आपको कैसे लगे दरभंगा के ये अमिताभ बच्चन, हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, कैसा लगा इनका गाना और कैसी लगी इनकी मेहनत, हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ।